नमस्कार का फिर स्वागत है आपको टुडेज के हमारे न्यूज़ कार्यक्रम में। हम फिर से हाजिर ब्रेक के बाद एक नई समाचार में। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि बीजेपी ने 17 समितियों का कर दिया है ऐलान। घोषणा पत्र कमेटी के प्रमुख होंगे राजनाथ सिंह। जी हाँ, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को अपने वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और अरुण जेटली को क्रमशः संकल्प पत्र, घोषणा पत्र कमेटी और प्रचार शाखा का प्रमुख नियुक्त कर दिया है। दरअसल पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आम चुनाव की तैयारियों के लिए 17 समूह का गठन किया है और एक बयान के मुताबिक 20 सदस्यीय संकल्प पत्र कमेटी के सदस्यों में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल और मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। कमेटी को पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए कार्य भी सौंपा गया है। जेटली भी इस कमेटी के सदस्य होंगे। बयान में कहा गया है कि सामाजिक एवं स्वयंसेविक संगठनों के सदस्य संदर्भ संपर्क साधने वाली कमेटी के प्रमुख केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी होंगे, जबकि सुषमा स्वराज चुनाव के लिए साहित्य तैयार करने वाले समूह की प्रमुख होंगे। रविशंकर प्रसाद मीडिया समूह का नेतृत्व करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बुद्धिजीवियों के साथ बैठकों का आयोजन कराने वाली शाखा के प्रमुख होंगे। श्याम जाजू सोशल मीडिया कमेटी संभालेंगे, जबकि राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव चुनाव आयोग से जुड़े मामले को देखेंगे। लोकसभा चुनाव और मई अप्रैल में होने की उम्मीद है, जबकि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता में लौटने की जद्दोजहद में लगी हुई है। एक बयान के मुताबिक एक समिति पार्टी ने नेताओं के प्रवास का प्रबंधन करेगी, जबकि दूसरी समिति सोशल मीडिया संभालेगी और तीसरी समिति विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क साधेगी। तीसरी समिति में पार्टी महासचिव सरोज पांडे समेत 13 सदस्य हैं और 13 सदस्य सोशल मीडिया समिति में बीजेपी उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनकी सूचना प्रौद्योगिकी शाखा के प्रभारी अमित मालवीय होंगे। 8 सदस्यीय प्रचार समिति में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, महेश शर्मा, पार्टी महासचिव अनिल जैन, राज्यसभा सदस्य और उद्योगपति राजीव चंद्रशेखर भी शामिल है। पार्टी के मीडिया प्रमुख अनिल वलूनी और उप प्रमुख संजय मयूख समेत पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीडिया समिति के सदस्य होंगे, जिसके अगुवा प्रसाद होंगे। और शाह ने साहित्य की ढुलाई, वितरण, मन की बात, बाइक रैली के संबंध में भी समितियों की घोषणा की है। बता दें कि पार्टी महासचिव अरुण सिंह मन की बात समिति को देखभाल करेंगे और उन्हें पार्टी कार्यालय के कामकाज की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यादव उस समिति के अहम सदस्य होंगे जो चुनाव आयोग से जुड़े मसलों से निपटेगी। चुनाव से पहले शाह ने पार्टी अभियान को धार देने के लिए विभिन्न नियुक्तियां की है। तो ये है आज की राजनीति से जुड़ी हुई बेहद ही अहम खबर। भाजपा ने चल दिया है अपने चाल, खोल दिया है अपना पाशा और बना दिया है 7 समितियों का ऐलान, घोषणा कर दिया है। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहे हमारे न्यूज़ चैनल और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप राजनीतिक दुनिया से ताल्लुक रखते हैं और आपके अपने कुछ समझ सूझबूझ है, कुछ विचार है, तो आप हमें ज़रूर साझा करें हमारे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।